इफ यू लुक एट यूनिट टू, दिस इज एन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो हम आज शुरू करने वाले हैं. वी बी स्टार्टिंग विद 2.1 टुडे, विच इज एवोल्यूशन ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. सो वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक टुडे. दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑन 5-year प्लान्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. दिस इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो मॉस्पी करके जो एक मिनिस्ट्री है, विच इज फुल फॉर्म जिसका है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसने रिलीज करा है. और इसका चैप्टर 7 हम कर रहे हैं. ये स्टेटिस्टिकल ईयरबुक इंडिया का चैप्टर 7 है जो हम इस टॉपिक के लिए रेफर कर रहे हैं. इन योर कोर्स वी विल ओनली बी रेफरिंग टू द फर्स्ट 8 पेजेस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, विच मीन्स दैट वी विल बी कवरिंग 7.1, 7.2, 7.3 till 7.4.6. So 7.4 में भी हम सिलेक्टिव कवरेज करेंगे. सो टिल दिस पॉइंट 7.4.6 दिस इज आवर सिलेबस. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक व्हिच इज 5-year प्लान्स. एंड बिफोर वी एक्चुअली गेट इन टू वॉट द डॉक्यूमेंट सेज, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट 5-year प्लान्स जो है हम अब करंटली फॉलो नहीं करते हैं. इफ यू गाइज आर अवेयर दैट प्लानिंग कमीशन वॉज द होल एंड सोल बॉडी जो 5-year प्लान्स को प्लान आउट करती थी और रिलीज करती थी. और हमारा जो लास्ट 5-year प्लान इंडिया में आया है, दैट वॉज द 12th 5-year प्लान. अब तक इंडियन इकोनॉमी में 12 5-year प्लान्स बन चुके हैं. 5-year प्लान नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जो 5 साल तक के लिए इकोनॉमी में फॉलो करे जाते हैं. और ये इंडिपेंडेंस के टाइम से अब तक फॉलो करे जा रहे थे, लेकिन 2017 वॉज द लास्ट ईयर जिसमें 5-year प्लान 2017 तक 5-year प्लान को फॉलो किया गया है, और उसके बाद से 5-year प्लान्स नहीं फॉलो करे गए हैं. और 12th प्लान जो है वो हमारा लास्ट 5-year प्लान रहा है. प्लानिंग कमीशन आपको पता होगा 2014 के बाद से डिसॉल्व कर दी गई थी. सो 1951 से लेके 2014 तक प्लानिंग कमीशन हमारी इकोनॉमी का पार्ट थी एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ बॉडी. लेकिन 2014 के बाद से नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था. तो और उसके बाद से जब से प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हुई है, जो भी लास्ट प्लान उस टाइम ऑपरेट कर रहा था जो कि 12th प्लान था, सिर्फ नीति आयोग ने उसको 2 साल के लिए कंटिन्यू करा था 2015 से 2017 तक. और 2017 के बाद से कोई भी 5-year प्लान नहीं रिलीज करा गया है. तो दिस इज द सिचुएशन अबाउट 5-year प्लान्स. बट सिंस हमारी इकोनॉमी इतने सालों तक 5-year प्लान्स पे रिलायंट थी, और प्लानिंग जो है हमारी इकोनॉमी का एक बेसिक प्रोसेस था जिसके ऊपर इंडियन इकोनॉमी रिलाय करती थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि ये 5-year प्लान्स क्या हैं और हमारी हिस्ट्री में, इंडियन इकोनॉमी के हिस्ट्री में किस किस तरीके के 5-year प्लान्स निकाले गए थे और उनका क्या एजेंडा था, उनका क्या मोटिव था. इसलिए हम इस टॉपिक को इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम अब एग्जिस्टिंगली 5-year प्लान्स का मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते. तो 5-year प्लान्स क्या होते हैं, इनका बेसिक एजेंडा क्या होता है. 5-year प्लान्स बेसिकली रिलीज करे जाते हैं कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए. जो अगर आप बात करो इनके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि दे वांट 5-year प्लान का एजेंडा है कि इकोनॉमी में ग्रोथ मेंटेन रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जीडीपी लेवल्स बूस्ट हो, और वो सस्टेनेबल हो. सस्टेनेबल मतलब कि वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करें इकोनॉमी में. दूसरा एजेंडा 5-year प्लान्स का है कि वो इकोनॉमिक इक्विटी और सोशल जस्टिस प्रमोट करें, बिकॉज हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है. ऑल्दो हमारी इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन है एक हैंड पे, लेकिन दूसरी साइड पे हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में पावर्टी इतनी ज्यादा है और इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है दैट सम पीपल हैव अ लार्जर शेयर ऑफ इनकम एंड सम पीपल डू नॉट हैव दैट मच इनकम. सो इकोनॉमिक 5-year प्लान्स का एजेंडा होता है कि इकोनॉमी में इक्वालिटी मेंटेन रहे, सोशल जस्टिस मेंटेन रहे, सोशल ग्रुप्स के बेसिस पे इकोनॉमिक डिविजन्स ना क्रिएट हो. तीसरा ब्रॉड एजेंडा हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो,
फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हम एक ऐसे लेवल पे ऑपरेट करें इकोनॉमी में जहां पे कोई भी बिजनेस साइकिल रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। तो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो थ्योरेटिकल कोर्सेज करे होंगे उसमें पढ़ा होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, विच इज कि गिवन द रिसोर्सेज, जो इकोनॉमी के पास जितने रिसोर्सेज होते हैं उसके बेसिस पे जितना आउटपुट इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, जिसको हम पोटेंशियल जीडीपी या मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं, जितना आउटपुट एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है उस आउटपुट लेवल पे इकोनॉमी इकोनॉमी प्लेस्ड है, तो जिसकी वजह से कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी। डेफिनेटली कुछ ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी जिसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, बट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट होगी जो बिजनेस साइकिल की वजह से है, यानी कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो आउटपुट के कम प्रोडक्शन लेवल की वजह से है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट प्रमोट हो इकोनॉमी में, वो भी एक ब्रॉड एजेंडा होता है फाइव ईयर प्लान का। देन इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, दैट इकोनॉमी इज रिलायंट ऑन इटसेल्फ, इकोनॉमी को किसी और सोर्सेज पे रिलाय ना करना पड़े और इकोनॉमी अपने ही ऊपर सेल्फ रिलायंट हो। एंड देन मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन, मतलब ऐसे अगर आप बात करो तो फाइव ईयर प्लान के बहुत सारे ब्रॉड एजेंडाज हो सकते हैं, बट ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो फाइव ईयर प्लान केटर करते हैं। बट डेफिनेटली अगर हम इस पर डिस्कस करें कि क्या क्या और एजेंडा होते हैं, बहुत सारे एजेंडा होते हैं, और आप नोटिस करोगे कि जब हम फाइव ईयर प्लान को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान क्या था, सेकेंड फाइव ईयर प्लान क्या था, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि हर प्लान का अपना एक स्पेसिफिक मोटो होता था, और वो मोटो हर प्लान में कभी कभी चेंज होता था क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्लानिंग प्रोसेस भी इवॉल्व हुआ है। जैसे अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करो तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी बहुत ही एक फ्रेश इकोनॉमी थी, हमें तभी इंडिपेंडेंस मिला था और बहुत सारी चीजें थी जिसपे हमें काम करना था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड नहीं था, वी वर क्लोज्ड इकोनॉमी, हम ट्रेड नहीं करते थे, तो हमारे जो नीड थी इकोनॉमी की वो अलग तरीके की नीड थी एज कम्पेयर टू वॉट वी आर एट टूडे। टूडे वी आर अ मच मोर डिफरेंट इकोनॉमी, वी आर एन ओपन इकोनॉमी, हम एक लिबरल इकोनॉमी है जो बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है और हम इंफ्रास्ट्रक्चरली काफी डेवलप्ड है अगर आप उस टाइम से कंपेयर करो तो हमारे अभी के जो नीड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस में हर प्लान का जो नेचर है वो आपस में डिफरेंट है क्योंकि इकोनॉमी जैसे इवॉल्व हुई है, इकोनॉमिक सिचुएशंस जैसे चेंज हुई है, वैसे फाइव ईयर प्लान्स के फोकस भी चेंज होते रहे हैं, जो हम इस टेक्स्ट में, इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल राइट, सो इंडियन प्लानिंग इज एन ओपन प्रोसेस, इट इज एन ओपन प्रोसेस बिकॉज एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू द प्लानिंग प्रोसेस इज आउट इन पब्लिक, सो एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी और एनी काइंड ऑफ डिबेट दैट अकंपनीज द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स आर ऑल्सो पब्लिक। एज आई सेड, फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्मुलेशन थ्रू सक्सेसिव मॉडिफिकेशंस टू पार्लियामेंट्री प्रेजेंटेशन, प्लान मेकिंग इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड एज अ रिस्पॉन्सिव डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस एंड द कल्मिनेशन ऑफ द सेम इन द फाइनल डॉक्यूमेंट इज एन इम्प्रेसिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्किंग्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी। But by its very nature, it also generates many problems from the point of view of mapping an optimal strategy for economic development. So, from its original formulation, successive modifications ke through plan making process jo hai wo evolve hua hai as it should in a democratic political process. Aur jo final document aap plan ka bankar aata hai, that is just a display of working of an open society, jo hamari society hai, it is a democratic society jahan pe hum har stakeholder ke viewpoint ko consider karne ki koshish karte hai, lekin this nature of the planning process jisme hum ek liberal ek open process ki baat kar rahe hain, ye in itself ek problem create kar deti hai, because you know that as many people get involved in any kind of process there can be different opinions, so even in the planning process if you involve too many people then you will have too many different opinions, so that becomes a problem in itself to bring out an optimal strategy for the economic development. All right, so that is just a brief introduction to the 5 year plans. Now moving on to history of planning in India and origin of 5 year plans. So history kya rahi hai planning process ki, इंडियन इकोनॉमी में फाइव ईयर प्लान स्टार्ट कहां से हुए और इनकी हिस्ट्री क्या रही है वो हम इस सेक्शन में
पढ़ेंगे. Alright. So, though the planned economic development in India began in 1951 with the inception of first five-year plan, the first five-year plan, the ever first five-year plan in India was introduced in 1951. Theoretical efforts had begun much earlier. So, although the official five-year plan was 1951 mein aaya tha Indian economy ke liye, lekin planning process ki jo theoretical knowledge thi, या थ्योरेटिकल डिस्कशंस थे वो 1951 से बहुत पहले स्टार्ट हो गए थे. 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग कमिटी सेटअप करी गई थी और कुछ इनफॉर्मल प्लान्स रिलीज करे गए थे सच एज बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान 1944 में, पीपल्स प्लान इन 1945, सर्वोदय प्लान इन 1950 बाय जयप्रकाश नारायण. तो ऑल्दो 1951 में हमने फॉर्मली फाइव ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करे थे, लेकिन उससे बहुत पहले इवन बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस टाइम पे हमारा पॉलिटिकल ग्रुप था उसने प्लानिंग प्रोसेस पहले ही स्टार्ट कर दिया था थ्रू दीज डिफरेंट प्लान सच एज बॉम्बे, गांधीयन, पीपल्स प्लान एटसेट्रा. बट हमारा ऑफिशियली जो फाइव ईयर प्लान, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आया था वो 1951 में आया था. फाइव ईयर प्लान्स आर सेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स. जोसेफ स्टालिन इंप्लीमेंटेड द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन इन लेट 1920s. मोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स एंड सेवरल कैपिटलिस्ट कंट्रीज सब्सिक्वेंटली हैव अडॉप्टेड देम. China and India both continue to use five-year plans, although China renamed its 11th five-year plan from 2006 to 2010 a guideline rather than a plan to signify the central government's more hands-off approach to development. So, planning process kahan se aaya hai aur Indian economy ne kahan se is cheez ko emulate kara hai, wo actually Soviet Union se kara hai. So, 1920s mein Soviet Union जिससे रशिया, जो आज के जमाने में हम जिसे रशिया बोलते हैं, और सोवियत यूनियन बेसिकली पहले एक अक्यूमुलेशन था डिफरेंट कंट्रीज का जिसको यूएसएसआर बोलते थे, अब वो डिसइंटीग्रेट हो गया इनटू डिफरेंट कंट्रीज. बट सोवियत यूनियन 1920s में उन्होंने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करा था अपनी इकोनॉमी में. वहां पे जोसेफ स्टालिन जो वहां के लीडर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, और उसको देख के बहुत सारी कंट्रीज ने उस प्रोसेस को कॉपी करने की कोशिश करी जिसमें चाइना और इंडिया भी इंक्लूडेड है. सो जो अप्रोच है प्लानिंग की वो उसका ओरिजिन अगर हम देखें, ट्रेस करें, तो वो सोवियत यूनियन से आता है. इंडिया में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान एज आई जस्ट सेड 1951 में इंट्रोड्यूस हुआ था अंडर द सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. द प्रोसेस बिगेन विद सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन जो अब डिसॉल्व हो चुकी है वो जवाहरलाल नेहरू ने सेटअप करी थी मार्च 1915 में. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लानिंग कमीशन वॉज टू प्रमोट अ रैपिड राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल by efficient exploitation of the resources of the country. So, the major objective of the Planning Commission was to boost the standard of living of people in India, and by using the resources, jo hamari country ke paas resources the, unko efficiently use karke, production ko increase karke, opportunities or employment ko increase karke, logo ki standard of living ko promote karna tha, ye Planning Commission ka मोटिव था. जो हमारा फर्स्ट प्लान था उसका भी यही मोटिव था कि लोग जो है दे लिव अ फेयर लाइफ, और हमारी इकोनॉमी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसे अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाए. सो द प्लानिंग कमीशन वाज टास्क्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग असेसमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ऑगमेंटिंग डेफिशिएंट रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज हमारे पास कम थे उनको कैसे इंक्रीज किया जाए, उनको कैसे ऑगमेंट किया जाए. Formulating plans for the most effective and the balanced utilization of resources and determining priorities. So priorities determine karna bahut important tha, kyunki kisi bhi economy mein bahut sari cheeze hain jo galat ho sakti hain, bahut sari cheeze hain jin pe kaam kiya ja sakta hai, lekin aap sari cheezon pe ek sath focus nahi kar sakte. To ek important jo एक मोटिव बन जाता है वो ये भी होता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करो, आप ऐसी चीज को आइडेंटिफाई करो कि अगर आप उस पर फोकस करोगे
तो आप मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकते हो अपनी इकोनॉमी के लिए. तो प्लानिंग कमीशन का ये भी रोल था कि हम अपनी प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करें कि हमें किस सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना है, हमें किस कम्युनिटी को प्रायोरिटाइज करना है जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट हम प्रोड्यूस कर सकें अपनी इकोनॉमी में. Okay, so the first five-year plan was launched in 1915 and then two subsequent five-year plans were formulated till 1965. But then there was a break because of the Indo-Pakistan conflict. So 1965 ke baad planning process mein break aa gaya tha aur because of the Indo-Pakistan conflict and agle do saal of drought, devaluation of the currency and a general rise in the prices, erosion of the resources disrupted the planning process. So, jo planning process tha wo 1951 se 1965 tak kafi smoothly chala tha. Jo pehle teen plans aaye the, wo kafi smoothly 5-5 saal ke gap, 5-5 saal ke liye release kare gaye the. Lekin uske baad kuch saal ka gap ho gaya tha and planning process dobara jo hai fourth 5-year plan jo aaya tha wo dobara 1969 mein aaya tha. To 1965 se leke 1969 ka jo period tha उसमें हम कोई फाइव ईयर प्लान रिलीज नहीं कर पाए थे. 1965 का थर्ड फाइव ईयर प्लान आया था और बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस सच एज इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और दी ड्रॉट सिचुएशन और जनरल राइजेस इन प्राइसेस और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिसरप्ट हो रहे थे उसकी वजह से इकोनॉमी प्लानिंग प्रोसेस नहीं कर पाई थी 65 और 69 के बीच में. और फिर फोर्थ फाइव ईयर प्लान जो है वो 69 में रिलीज हुआ था. लेकिन 1965 और 1969 के बीच में तीन एनुअल प्लान रिलीज करे गए थे. एनुअल प्लान का मतलब है एक साल के लिए होल्ड ट्रू करें. फाइव ईयर प्लान जो होता है वो 5 साल के लिए रिलीज करा जाता है. लेकिन क्योंकि 1965 और 1969 के बीच में हम फाइव ईयर प्लान नहीं रिलीज कर पाए थे तो एनुअल प्लान इंट्रोड्यूस करे गए थे 1966 और 1969 के बीच में. तीन एनुअल प्लान जो एक एक साल के लिए बनाए गए थे और वो उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो उसी एक साल के लिए लेआउट करे गए थे. अगेन द एट्थ प्लान कुड नॉट टेक ऑफ. तो जो हमारा आठवां प्लान था वो भी टेक ऑफ नहीं कर पाया था ड्यू टू फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशंस एट द सेंटर एंड द इयर्स 1990-91 एंड 91-92 पर अगेन ट्रीटेड एज एनुअल प्लान्स. सो अगेन जो एट्थ प्लान था जो 1990-95 तक चलने वाला था वो भी नहीं हमारा इंप्लीमेंट हो पाया था. और इन दो साल को 1991 एंड 91-92 दीज वर ट्रीटेड एज एनुअल प्लान्स. सो द एट्थ प्लान को एक्चुअली 1992 में रिलीज करा गया था जो आइडियली 1990 में रिलीज होना चाहिए था लेकिन वो 1992 में रिलीज होगा इफ रिलीज हुआ था. इफ यू रिमेंबर इस दौरान 1991 में हमारी स्ट्रक्चरल पॉलिसीज जो है इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चरल पॉलिसीज है वो चेंज हो रही थी बिकॉज 1991 वाज़ द एरा फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जहां पे हमने एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. जबकि 1991 से पहले हमारी जो बैकग्राउंड थी इंडियन इकोनॉमी की वो बहुत ही क्लोज इकोनॉमी थी. हम इतना ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे थे, हम इतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट नहीं कर रहे थे. तो एक तरीके से इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिकली चेंज हो रही थी और हमारे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थे वो इकोनॉमी का चेंज हो रहा था. इस वजह से 1990 में हम अपना एट्थ प्लान टेक ऑफ नहीं कर पाए थे. और वो सब कुछ जब हमारी पॉलिसीज आई 1991 में उसके बाद 1992 से फिर हमने एट्थ प्लान शुरू करा था. सो द फर्स्ट एट प्लान्स फॉर द फर्स्ट एट प्लान्स हमारा जो एम्फेसिस था पहले 8 5-year प्लान्स का जो एम्फेसिस था वो था पब्लिक सेक्टर के ग्रोथ में. पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी उनको प्रमोट करना हमारा एम्फेसिस था पहले 8 प्लान का. और हम बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे तो हमारा फोकस था इंडस्ट्रियल सेक्टर में. और हम चाहते थे कि जो पब्लिक इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा ग्रो कर पाए इसलिए हम पहले 8 प्लान में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स प्रपोज कर रहे थे बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज में. लेकिन 9th प्लान के बाद से 9th प्लान आया था 1997 में क्योंकि इफ यू रिमेंबर 8th प्लान 1992 में आया है तो वो 1997 तक इंप्लीमेंट हुआ 5 साल के लिए. फिर 9th प्लान आया 1997 में और इस प्लान से
हमारा जो एम्फेसिस है वो पब्लिक सेक्टर पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होता गया, और जो हमारा पहले फोकस था पब्लिक सेक्टर पे वो नाइन्थ प्लान के बाद से धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा. ऑलराइट, सो इफ वी टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज प्लान्स, सो नाउ इन दिस टेबल यू विल सी कि इन सारे प्लान्स का क्या आउटलाइन था, एग्जैक्टली ये किन लाइन्स पे काम कर रहे थे, ये यहाँ पे आउटलाइन करा गया है इस टेबुलर फॉर्म में. आप देखोगे कि ये जो टेबल बनी है ये सिर्फ 12th प्लान तक के लिए बनी है, क्योंकि 12th प्लान इज द लास्ट, ये 11th प्लान है लास्ट, और नीचे 7.4 में 12th प्लान के बारे में बताया गया, और इसके बाद से हमारे पास कोई भी 5-year प्लान नहीं आया है. दिस इज द लास्ट 5-year प्लान. सो इस टेबल में हम बेसिकली बात करेंगे हर प्लान के बारे में डिटेल में. सो व्हाट वाज आवर फर्स्ट प्लान, हमारे फर्स्ट प्लान का फोकस क्या था. हारडुमार मॉडल एक थ्योरेटिकल मॉडल है जिसका बेसिक जो रिजल्ट थे, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बात करूंगी क्योंकि देन दैट इज अ ह्यूज डिस्कशन इन इटसेल्फ, बट जो बेसिक कंक्लूजन है हारडुमार मॉडल का वो ये है कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ डिपेंड करती है उस इकोनॉमी की सेविंग्स रेट पे. जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हारडुमार मॉडल बोलता है वो बोलता है सेविंग्स और कैपिटल आउटपुट रेशियो. तो सेविंग्स का मतलब है कि अगर हमारी इकोनॉमी में सेविंग्स ज्यादा हो रही है तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ अच्छी होगी. सेविंग्स का मतलब है कि जैसे हम जो इनकम अर्न करते हैं उसमें से कितना पैसा हम सेव कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी की सेविंग्स ज्यादा होगी तो हम ये बिलीव कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी. क्योंकि सेविंग्स जो है, जो हम पैसा सेव करते हैं, जैसे सपोज अगर मैं अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज सेव कर रही हूँ तो वो अल्टीमेटली किसी ना किसी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में जा रहा है. सो सपोज आई एम सेविंग, लेट्स से मैंने कोई स्टॉक्स खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, तो मैं एक तरीके से वो मेरे लिए क्या सेविंग फॉर मी, बिकॉज आई एम सेविंग अ पार्ट ऑफ माई इनकम एंड आई एम इन्वेस्टिंग दैट मनी इन टू स्टॉक्स और सम शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. नाउ ये जो मेरा मनी है, जो मेरी है, वो बेसिकली दूसरी फॉर्म के लिए, उस कंपनी के लिए एक इन्वेस्टमेंट सोर्स बन गया है. वो फॉर्म जो है उस पैसे को यूज कर सकती है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा सकती है और अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली आउटपुट इंक्रीज होगा इकोनॉमी में. तो सेविंग्स अगर ज्यादा हो रही है, अगर मेरे जैसे लोग बहुत सारे हैं कंट्री में जो सेव कर रहे हैं अपना पैसा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सेविंग्स जो है इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करेंगी इकोनॉमी में, और इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी. तो हारडुमार मॉडल इस कंक्लूजन पे आता है कि अगर किसी इकोनॉमी में सेविंग्स अच्छी हो रही है तो इकोनॉमी का ग्रोथ इंक्रीज होगा. दूसरा जो फैक्टर है जो हारडुमार मॉडल प्रपोज करता है वो है कैपिटल आउटपुट रेशियो. कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है, ये के रिप्रेजेंट करता है कैपिटल और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट. कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब है कि एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कैपिटल लग रहा है. कैपिटल का मतलब यहाँ पे हो गया मशीनरी. जब आप कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हो तो आप बेसिकली दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉड जो है, जो आप दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल. कैपिटल हो गया जिस भी तरीके की मशीनरी आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हो. तो अगर इकोनॉमी का कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ज्यादा है तो ये इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है, जिसका मतलब है कि आपको कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आप गिवन अमाउंट के साथ लिमिटेड कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हो. इसलिए, और अगर ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप गिवन कैपिटल के साथ थोड़ा कम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओगे. लेकिन अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है आपकी इकोनॉमी में, जिसका मतलब है कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कम कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो आपकी इकोनॉमी अगेन ग्रो करेगी. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लिमिटेड मनी है और आप लिमिटेड कैपिटल परचेज कर सकते हो, तो अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है, इसको हम प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हैं कि कैपिटल का जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है, कि हम एक कैपिटल से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. तो कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर इकोनॉमी के लिए कम है तो वो इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छा है, हमारी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी अगर ऐसा सिचुएशन है. तो कैपिटल आउटपुट रेशियो और सेविंग्स दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो हारडुमार मॉडल ने आइडेंटिफाई करे थे
कि अगर किसी इकोनॉमी का सेविंग्स रेट ज्यादा हो और कैपिटल आउटपुट रेशियो कम हो तो ये इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित होंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अच्छे साबित होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट प्लान था वो इस मॉडल पे बेस्ड था, और फर्स्ट प्लान का टारगेट ग्रोथ जो था, मतलब फर्स्ट प्लान ने जो एस्टिमेट करा था कि इकोनॉमी इतने लेवल पे ग्रो करनी चाहिए, मतलब इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो 2.1% ग्रो करना चाहिए, ये हमारा टारगेट था। और एक्चुअल ग्रोथ हमारी टारगेटेड ग्रोथ से ज्यादा थी। तो अगर आप देखो कि पहले प्लान में हमारा टारगेटेड ग्रोथ था 2.1% का, जबकि एक्चुअल ग्रोथ उससे बहुत ज्यादा हुई है, 3.6% हुई है। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में जो हमारे मेजर, हमारी इकोनॉमी के जो मेजर इश्यूज थे वो क्या थे, इनफ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज, बिकॉज बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी ने इंडिपेंडेंस अचीव करा था और उसी टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हुए थे, तो बहुत सारे रेफ्यूजीज जो थे, बहुत सारे लोग थे जो उस टाइम, उस इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो पाकिस्तान अब कहलाता है, वहां से बहुत सारे लोग इंडिया में आए, इंडिया से बहुत सारे लोग उधर गए। तो उस टाइम पे जो बहुत रेफ्यूजीज क्रिएट हो गए, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास घर थे अपने, तो बहुत रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम था। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी थी जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, बहुत फूड शॉर्टेज था हमारी इकोनॉमी में, वी डिड नॉट हैव इनफ प्रोडक्शन कि हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर पाए, और माउंटिंग इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा थी रिसोर्सेज की और सप्लाई इतनी नहीं थी, तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम था। तो ये जो तीन इश्यूज थे, ये बहुत प्रोमिनेंट इश्यूज थे हमारे इकोनॉमी के उस टाइम पे जब फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आ रहा था। तो डेफिनेटली उसको सॉल्व करने के लिए हमारे प्लान जो था, जो हमारा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था, उसका फोकस था एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर पे क्यों था, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा इकोनॉमी में तो हम फूड ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स थे फूड शॉर्टेज के उसको केटर कर पाएंगे या रेफ्यूजीज को फूड डिलीवर कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर की मदद से बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो पाएगी, जो लोग जिनके पास कुछ काम नहीं था करने के लिए या जो अनएम्प्लॉयड थे या खाने की कमी थी, उन सारी चीजों को कवर अप करने के लिए फोकस करा गया था एग्रीकल्चर पे। दूसरी चीज थी प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था इकोनॉमी में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्राइस स्टेबिलिटी का फोकस था। देन पावर एंड ट्रांसपोर्ट, सो ट्रांसपोर्ट और पावर, इलेक्ट्रिसिटी और इन सारी चीजों पे फोकस करा गया था फर्स्ट प्लान में, एंड इट वॉज अ सक्सेसफुल प्लान प्राइमरली बिकॉज ऑफ गुड हार्वेस्ट। हमारे हार्वेस्ट अच्छे हुए थे लास्ट टू ईयर्स, प्लान के लास्ट टू ईयर्स में, मतलब 54, 55, 56 में हमारे जो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्शन है, वो अच्छा हुआ था। तो इसीलिए इसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान सक्सेसफुल था, और वो हम अपने ग्रोथ नंबर्स में देख भी सकते हैं कि हमारी टारगेटेड ग्रोथ थी 2.1% प्लान की, और एक्चुअली 3.6% पे ग्रो करी थी हमारी जीडीपी उस टाइम पे। ऑब्जेक्टिव्स जो थे, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना या उनको किसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। फूड की सेल्फ सफिशियंसी, रिमेंबर कि इस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो हम बहुत ही सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थे। सेल्फ सफिशियंसी क्रिएट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम किसी भी और दूसरी इकोनॉमी से फूड ट्रेड नहीं कर रहे थे, हम ट्रेड करते ही नहीं थे उस टाइम पे कि हम किसी और इकोनॉमी से खाना ले सकें या फूड प्रोडक्ट्स ले सकें। तो हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम अपने आप इतने सेल्फ सफिशिएंट बने, हमारी इकोनॉमी खुद इतना प्रोडक्शन कर पाए कि हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर पाए। तो हमारे जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था वो फूड सेल्फ सफिशियंसी क्रिएट कर पाया, और प्राइसेस भी कुछ हद तक हम कंट्रोल कर पाए थे। तो इसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि हमारा जो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स थे, कि हमें रेफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट करना था, फूड शॉर्टेज को केटर करना था, इन्फ्लेशन को केटर करना था, वो हम अपने फर्स्ट प्लान में सक्सेसफुली अचीव कर पाए थे, और इसी बेसिस पे हम इस प्लान को एक सक्सेसफुल प्लान बोलते हैं। जो सेकेंड प्लान था वो इंट्रोड्यूस हुआ 1956 में, क्योंकि पहला प्लान 1956 तक था, तो अब सेकेंड प्लान रिलीज हुआ 1956 से अगले 5 साल तक के लिए, विच इज 1956 to 61। इस प्लान का जो टारगेटेड ग्रोथ था वो था 4.5%, लेकिन हमारा एक्चुअल ग्रोथ उससे 0.2% कम हुआ, हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट हुआ 4.3%।
सिंपल एग्रीगेटेड हैरेड-डुमार मॉडल वॉज अगेन यूज फॉर ओवरऑल प्रोजेक्शन. तो सेकेंड प्लान में भी हमने हैरेड-डुमार मॉडल को यूज करा था, लेकिन रिसोर्स एलोकेशन की स्ट्रेटेजी के लिए हमने महालनोबिस प्लान यूज करा था. तो सेकेंड प्लान को हम महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो थे उन्होंने इस प्लान में सजेशंस दिए थे, काम किया था, और उनके प्लान उनके सजेशंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा गया था सेकेंड प्लान में, और इसीलिए इस प्लान का दूसरा नाम महालनोबिस प्लान भी होता है, जिसमें हमने एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री को भी फोकस करा था. आप नोटिस करोगे कि पहले प्लान में सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का इतना ज्यादा नाम नहीं आया था, लेकिन सेकेंड प्लान में ये माना गया कि एग्रीकल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी. सेकेंड प्लान में फील करा गया था कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज को ज्यादा फोकस किया गया था और एग्रीकल्चर को लोअर प्रायोरिटी दी गई थी, जो कि फर्स्ट प्लान में ऑपोजिट था. फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर हमारा मेजर फोकस था, सेकेंड प्लान में फील करा गया कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर पाएगी. तो हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, उनको इन्वेस्टमेंट्स दिए गए, डिफरेंट मैकेनिजम्स के थ्रू इन इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, और फॉरेन लोन्स की मदद से इम्पोर्ट्स भी करे गए, जिससे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट कर पाए. 1956 में ही एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिलीज करी गई थी, जिसका गोल था कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करा जाए, बिकॉज उस टाइम पे 1956 जब सेकेंड फाइव ईयर प्लान रिलीज हो रहा था, तो इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करा जा रहा था, इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी रिलीज करी गई थी. और सेकेंड फाइव ईयर प्लान इतना ज्यादा सक्सेसफुल प्लान नहीं माना जाता. आप देखोगे कि हमारा टारगेटेड ग्रोथ रेट भी अचीव नहीं हो पाया था, जबकि फर्स्ट प्लान में हम देख रहे हैं कि टारगेटेड ग्रोथ से मच ज्यादा एक्चुअल ग्रोथ रेट हुआ. तो सेकेंड प्लान को हम एक मॉडरेटली सक्सेसफुल प्लान बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों की वजह से हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए थे. इस टाइम पे हमने इन्फ्लेशन भी देखा कि इन्फ्लेशन हुआ था, 30% प्राइस राइज हुए थे, जबकि पिछले प्लान में प्राइसेस कंट्रोल करे गए थे कुछ हद तक, और फॉरेन एक्सचेंज मतलब ऐसा पैसा जो हम फॉरेन करेंसीज में होल्ड करते हैं वो भी हमारा काफी डिप्लीट हो गया था, क्योंकि हम कुछ इंपोर्ट्स कर रहे थे हेवी और बेसिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए. तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम डेफिनेटली अपने फॉरेन एक्सचेंज को डिप्लीट कर रहे थे. फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली वो पैसा है जो हम फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होल्ड करते हैं. तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डिप्लीट हो रही थी, और इस वजह से इस प्लान को जो है हम इतना ज्यादा सक्सेसफुल प्लान नहीं बोलते हैं. लेट्स लुक एट द थर्ड प्लान, की थर्ड प्लान के गोल्स क्या थे. सो थर्ड प्लान जब शुरू हुआ था तब इंडियन इकोनॉमी ऐसी स्टेज पे थी, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था, 61 में थर्ड प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हमने काफी टाइम इकोनॉमी ने काफी टाइम स्पेंड कर लिया था ऑलरेडी इंडिपेंडेंस के बाद, और ऐसा फील किया गया था कि 1961 के दौरान इंडियन इकोनॉमी एक टेक ऑफ स्टेज में आ गई है. टेक ऑफ स्टेज का मतलब है कि जैसे कोई भी इकोनॉमी जब एकदम बिगिन करती है तो थोड़ी वीक होती है और इट नीड्स सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, एन एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. बट 61 में ऐसा फील हुआ दैट नाउ वी नीड टू मेक आवर इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट, मतलब इकोनॉमी को बाहर से एड की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमी शुड बी सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग, इन द सेंस कि हमारी जो इनकम है वो सेल्फ हम किसी भी चीज के लिए, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके की सर्विस हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी हो, हमें उसके लिए सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा और हमारी इनकम प्रोसेस भी जो है वो सेल्फ जनरेटिंग होना चाहिए, रादर देन कि हम किसी गवर्नमेंट एड या एक्सटर्नल एड पे रिलाई करें. सो थर्ड प्लान में ये इकोनॉमी का सिचुएशन था, and based on the experience of the first two plans, agriculture production was seen as a limiting factor in India's economic development, because agriculture still 10 saal se upar spend karne ke baad bhi agriculture production itna zyada significant nahi ho raha tha economy mein, jiski wajah se jo ye feature hai economy ka ki economy should be self reliant, ye nahi hum kar pa rahe the. तो इस प्लान में अगेन एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी दी गई थी,
टू सपोर्ट दी एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्री. हमें ये भी पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ डायरेक्टली हमें फूड प्रोडक्शन या फूड सप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट एग्रीकल्चर सेक्टर अगर किसी इकोनॉमी का स्ट्रांग होता है तो उस इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी स्ट्रांग हो सकता है. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं. जैसे कि अगर आप मानो कि क्लोथिंग इंडस्ट्री की बात करो, आप क्लोथ्स की बात करो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम होते हैं, लेकिन इन क्लोथ्स को बनने के लिए एक बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए जो कि कॉटन. तो कॉटन कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर काम कर पाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी इकोनॉमी का स्ट्रांग हो पाए, उसके लिए एक प्रिलिमिनरी, उसके लिए एक प्री रिक्विजिट है, और एक पहली चीज जो होनी चाहिए इकोनॉमी में वो है कि उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्ट्रांग होना चाहिए. तो हमारा जो फर्स्ट प्लान था वो एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा था, सेकंड प्लान में इंडस्ट्रीज पे फोकस करा, लेकिन थर्ड प्लान में हम दोबारा एग्रीकल्चर की तरफ गए जिससे कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर पाए और हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, मतलब जितना भी ट्रेड हम कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा ट्रेड तो उस टाइम तक नहीं हो रहा था क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ही क्लोज इकोनॉमी थी, तो बहुत ही रिस्ट्रिक्शन के साथ होता था, बट जितना भी था वो भी हमारी इकोनॉमी कर पाए उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को अगेन फोकस में रखा गया था. द प्लान वॉज थ्रू फेलियर इन रीचिंग द टारगेट्स. प्लान जो है, ये जो थर्ड प्लान है, ये एकदम फेल हुआ था क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे टारगेट ग्रोथ जो है वो 5.6% थी जबकि हमारी एक्चुअल ग्रोथ इस टाइम पे 2.8% थी. तो ये प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाया था एंड दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ अदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज दैट द इकोनॉमी वॉज गोइंग थ्रू. चाइनीज एग्रेशन 1962, चाइना के साथ जो वॉर हुआ था 1961 में 62 तक चला था, एंड देन इंडो पाक वॉर वर हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1965, एंड देन सीवियर ड्रॉट लाइक सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी में हुई थी. तो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो हमारी इकोनॉमी है वो इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई थी इस प्लान के टाइम पे. और प्लान में क्या है कि लेटर एंड में प्लान जो है डेवलपमेंट से ज्यादा डिफेंस में फोकस करने लग गया था बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली टू केटर टू दीज इश्यूज सच एज चाइना वॉर एंड इंडो पाक वॉर. इन सबको, इन सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को केटर करने के लिए हमारे प्लान का जो शिफ्ट है वो एग्रीकल्चर से ज्यादा डिफेंस पे चला गया था. तो ये थर्ड प्लान था. नाउ थर्ड प्लान तक आप देखोगे कि हमारे प्लान जो है वो प्रॉपर 5 ईयर के गैप में इंट्रोड्यूस हुए थे. सेकेंड फर्स्ट प्लान भी था 5 साल का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों प्लान जो है 5-5 साल के थे, लेकिन जो फोर्थ प्लान था उसको आने से पहले 3 एनुअल प्लान बने थे. तो जो फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान, बिकॉज थर्ड प्लान एकदम फेल हुआ था, उसकी वजह से हमारा जो करेंसी है उसको डी वैल्यू किया गया. डी वैल्यू का मतलब होता है कि करेंसी की वैल्यू कम करी गई थी. इसलिए कम करी गई थी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम हो गए थे और हम चाहते थे कि अगर हमारा रुपी डी वैल्यू हो जाएगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है. तो इस रीजन की वजह से, बिकॉज इकोनॉमी बिल्कुल भी अपनी स्टेबल सिचुएशन में नहीं थी इस टाइम पे, तो फोर्थ प्लान को डिले कर दिया गया था. फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था और उस दौरान 1966 से 1969 का जो टाइम था, जो 3 साल वो थे, उनमें 3 एनुअल प्लान आए थे. तो मतलब एक एक साल के प्लान आए थे. 1966 से 67 का एक प्लान था, 67 से 68 का दूसरा, एंड सो ऑन. तो इन तीन साल के गैप के लिए 3 एनुअल प्लान इंट्रोड्यूस करे गए थे. इस टाइम को 1966 से 69 के टाइम को प्लान हॉलीडे भी बोला जाता है बिकॉज इस टाइम पे कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया था. क्या सिचुएशन थी इकोनॉमी की इस टाइम पे? इस टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, रुपी को डी वैल्यू करा था. डी वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे अगर आप फॉरेन करेंसी के टर्म्स में अपने रुपी को मेजर करो, सपोज मैं बोलूं कि $1 में मान लो उस टाइम पे आते थे 40 रुपए, तो डी वैल्यू करने का मतलब है कि मैं अपने रुपी की वैल्यू को गिरा रही हूँ. गिराने का मतलब है कि मैं बोलूंगी कि अब मैंने अपनी रुपी की वैल्यू ऐसे करी है दैट $1 इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ 40 रुपीज आई एम सेइंग दैट $1 इज नाउ इक्वल टू 50 रुपीज. इसका क्या मतलब है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री में हमारी इकोनॉमी से गुड्स खरीदना चाहता है तो पहले उसको $1 में 40 रुपए का सामान मिल जाता था, लेकिन अब उसको एक सेम डॉलर में सेम करेंसी से 50 रुपए का सामान मिलता है.
तो इसको बोलते हैं डी वैल्यू ऑफ करेंसी. हम अपनी वैल्यू, अपने जो करेंसी का वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने रुपए की करेंसी की वैल्यू देखें तो हम देखेंगे कि एक रुपए में हम कम चीजें खरीद सकते हैं जो डॉलर में वैल्यू होगी आफ्टर डीवैल्यूएशन. बट ये हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा हो सकता था, क्योंकि अगर हम अगर फॉरेन कंट्रीज में ऐसा फील किया जाएगा दैट रुपी इज अ वीक करेंसी, देन वी माइट बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री बिकॉज उनको एक डॉलर में ज्यादा सामान मिलेगा. तो इसलिए थर्ड प्लान के टाइम पे करेंसी को डीवैल्यू करा गया था. और सिचुएशन इकोनॉमी की बिल्कुल भी ठीक नहीं थी. एग्रीकल्चर में क्राइसिस था, फूड शॉर्टेज था. इसकी वजह से जो ये एनुअल प्लान आए थे इसमें भी एम्फेसिस एग्रीकल्चर पे ही था. थर्ड प्लान का जो एम्फेसिस था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए जो एनुअल प्लान आए थर्ड प्लान के बाद उसमें भी एग्रीकल्चर को ही फोकस करा गया था. और इनफैक्ट इन प्लान में, ये जो तीन एनुअल प्लान आए थे, इसमें एक कम्प्लीटली न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करी गई थी. इट इन्वॉल्व वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. सीड्स हाई यील्डिंग वैरायटी इंट्रोड्यूस करी गई थी. फर्टिलाइजर्स का यूज प्रमोट करा गया था. इरीगेशन, सॉइल कंजर्वेशन, जो ऐसी चीजें थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टेक्निकल चीजें थी वो इंट्रोड्यूस करी गई थी. एक्चुअली वो टाइम था जब हम इस टाइम को हम ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम भी बोलते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें हम कम्प्लीटली एक नया एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कर रहे थे. जो 1967 से लेकर 1977 तक के टाइम तक चला था 10 साल के दौरान. तो ये 1966-69 वाला टाइम था जब ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन हो रहा था इकोनॉमी में. और एनुअल प्लान्स का पर्पस था कि जो भी थर्ड प्लान में हमें शॉक्स मिले हैं, इकोनॉमी को जो फेलियर मिला है उसको हम कम से कम रिड्यूस, उसको ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर पाए, उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए. सो दैट वाज द आइडिया ऑफ दीज थ्री प्लान्स. मूविंग अहेड इज द फोर्थ प्लान, जो कि तीन साल के गैप के बाद फिर फाइनली इंट्रोड्यूस करा गया था 1969 में. अगर आप प्लान की डिटेल पढ़ने से पहले ही देखो तो आप नोटिस करोगे कि इनफैक्ट ये वाला भी जो प्लान था इसका टारगेट ग्रोथ था 5.7%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ तब भी टारगेटेड ग्रोथ से कम ही था, 3.3%. लेट्स लुक एट व्हाट वर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्थ प्लान. So, refusal of supply of essential equipments and raw materials from the Aries during the Indo-Pak war resulted in human objectives of growth with stability and progressive achievement of self-reliance. So, जब Indo-Pak war चल रहा था तो जो भी Indian economy को जो economy support कर रही थी उन्होंने हमें essential equipments और raw materials support करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी एक बहुत ही नेसेंट स्टेज पे थी. हमारी इंडिपेंडेंस को उस टाइम पे लगभग 15-16 साल हुए थे और एक वॉर लाइक सिचुएशन में हम उतर गए थे. और एक वॉर किसी भी इकोनॉमी के लिए, चाहे वो कितनी डेवलप्ड हो, इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज इट पुट्स अ ड्रेन ऑन अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. हमारा बहुत पैसा, हमारा बहुत मैन पावर वेस्ट हो जाता है वॉर में. तो उस टाइम पे हमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी. हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर पाए. उस टाइम पे हमारे जो हमारी और इकोनॉमीज थी जो हमको सपोर्ट कर रही थी उस वॉर में, उन्होंने हमें रॉ मटेरियल्स सप्लाई करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ऐसा फील हुआ कि रादर देन रिलाइंग ऑन अदर इकोनॉमीज, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए सेल्फ रिलायंस का. मतलब ग्रोथ तो हो, लेकिन ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी भी हो, और स्टेबिलिटी के साथ साथ हमारा सेल्फ जो मोटिव था कि हम सेल्फ रिलायंट बने, हम खुद से प्रोडक्शन कर पाए, जिससे कि हमें किसी और इकोनॉमी पे रिलाय ना करना पड़े, ये मोटो दोबारा से रियलाइज करा गया था. सो अगेन द एम्फेसिस वाज ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर. एंड एज आई सेड कि एग्रीकल्चर सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स में फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं. मतलब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उससे बाकी सेक्टर्स को भी सपोर्ट मिलता है. इसलिए एम्फेसिस पुट करा गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो किया जाए. 3 years did not measure up due to poor monsoon. Definitely weather conditions एक important role play करती हैं agriculture production में. तो produce इसलिए भी नहीं हो पाया था क्योंकि weather conditions इतनी supportive नहीं थी. ये इस time पे इस plan में family planning programs भी introduce करे गए थे.
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वर अमंग मेजर टारगेट्स ऑफ द प्लान. सो एक्चुअली हमारी जो पॉपुलेशन है इकोनॉमी की वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा रही है, और पॉपुलेशन प्रेशर जो होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, अनलेस इकोनॉमी के पास बहुत रिसोर्सेज हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सस्टेन करना. तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए प्लान का जो एक टारगेट था वो बिसाइड्स एग्रीकल्चर ये भी था कि लोगों को फैमिली प्लानिंग मेजर्स इंट्रोड्यूस करे जाए, लोगों को बोला जाए कि जो ये स्लोगन है हम दो हमारे दो, ये इस तरीके की चीजें प्रमोट करी जा रही थी कि आपकी फैमिली में बहुत सारे बच्चे नहीं होने चाहिए, बिकॉज दैट पुट्स अ ड्रेन अल्टीमेटली ऑन द इकोनॉमी. बिकॉज अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली हमें ज्यादा लोगों को वी नीड टू फीड मोर पीपल, वी नीड मोर रिसोर्सेज टू सस्टेन दीज नंबर ऑफ पीपल. तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे गए थे जिसमें रिस्ट्रिक्शंस पुट करे गए थे कि एक फैमिली में इतने से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते हैं. ये सेम चीज इसी टाइम के आसपास चाइना में भी फॉलो करी गई थी. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू, आई मीन दिस इज अ वेरी नॉट अ वेरी कॉमन, बट मतलब ऐसी चीजें और इकोनॉमीज में भी हुई है. चाइना में इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड एज द वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसमें वहां के लीडर ने बोल दिया था कि आपके फैमिली में सिर्फ एक बच्चा होना चाहिए, एक से ज्यादा बच्चे हो नहीं सकते, एंड दैट वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ. सो इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है हमारी इकोनॉमी में भी उस टाइम पे, फोर्थ प्लान के टाइम पे, विच वॉज 1969 to 74, उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करे गए थे. इनफ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज बिफोर एंड आफ्टर 1971 इंडो पाक वॉर वॉज एन इम्पॉर्टेंट इश्यू अलॉन्ग विद प्राइस सिचुएशन डिटोरिएटिंग टू क्राइसिस प्रोपोर्शंस एंड द प्लान इज अगेन कंसिडर्ड एज अ बिग फेलियर. सो इवन दिस प्लान, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही नंबर्स दिखा के बताया था कि इवन दिस प्लान वॉज इन दैट सक्सेसफुल, बिकॉज हमने टारगेट करा था 5.7, लेकिन हमारा एक्चुअली में हुआ जस्ट 3.3%. एंड डेफिनेटली द इंटायर रीजन doesn't depend on economic failure but also political failures, because 1971 mein ek aur war hua tha Pakistan ke saath jo is plan ke time pe beech mein 1971 aaya tha, us time pe hua tha, again hamare jo resources hain us taraf chale jate hain. And then before and after the war Bangladesh ke jo refugees hain wo India mein aa gaye the. So again matlab ye sari jo cheeze hain, I mean the fourth plan wasn't that successful. Then came the fifth plan, जो कि 1974 से 79 में आया था. इसके अगर आप numbers actually notice करो तो you will see some improvements. And this is what at target growth था 4.4% और actual growth था 4.8%. So actually इस plan में 1974 के plan में हम देख रहे हैं कि there were improvements. This plan was prepared and launched by D.P. Dhar in the backdrop of economic crisis arising out of runaway inflation fueled by a hike in oil prices and failure of the government takeover of the wholesale trade in wheat. It proposed to achieve two main objectives, removal of poverty, garibi hatao, and attainment of self-reliance. So, aap dekhoge ki kuch jo mudde hai, kuch jo issues hai, wo bade repeated issues hai, jo right from the beginning hum टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं. सेल्फ रिलायंस की बात पिछले दो तीन प्लान्स में करी गई थी, लेकिन अब तक भी हमारी इकोनॉमी ऐसी स्टेज पे नहीं आई थी कि हम अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बोल पाए. तो अगेन गरीबी डेफिनेटली, बिकॉज यू नो आई मीन इफ इकोनॉमी में इतना सस्टेनेंस नहीं है कि हम इतना प्रोड्यूस कर पाए, या हमारे सेक्टर्स इतने डेवलप नहीं थे, तो डेफिनेटली लोग पुअर होंगे, पावर्टी बहुत ज्यादा थी. तो इन ऑब्जेक्टिव जो थे फिफ्थ प्लान के थे कि हम पावर्टी को रिमूव करें और सेल्फ रिलायंट बने. उस टाइम पे एक प्रेशर प्राइसेस का भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है उसमें बहुत हाइक हो रहा था. I think 1969 was the time जब एक मेजर ऑयल प्राइसेस में हाइक हुआ था, जो कि डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी को फेस करना पड़ा था. तो इन्फ्लेशन और ये सारी चीजों की वजह से जो है इकोनॉमी हमारी बिल्कुल भी ऐसे डेवलप्ड इकोनॉमी जिसको कहते हैं, या डेवलपिंग इकोनॉमी जिसे कहते हैं, बिल्कुल भी उस स्टेज में नहीं थी. हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इश्यूज थे जो कि हम इन प्लान्स के थ्रू टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे. बट इस प्लान में हम देख रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट एक्चुअली इंप्रूव हुआ था 4.4% से 4.8%. सो प्रमोशन ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग्स वर सीन एज की इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये जो पैरामीटर्स हैं इनको देखा गया था कि दीज शुड बी यूज्ड टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, कि लोग ज्यादा सेव करें. सेविंग से क्या होता है कि अगर पीपल आर सेविंग अ लार्जर पार्ट ऑफ देयर इनकम, दैट मीन्स दैट इट विल गो इनटू इन्वेस्टमेंट. अगर लोग सेव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं इकोनॉमी में, देन हमारी इकोनॉमी ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सपैंड करेगी, प्रोडक्शन लेवल्स बढ़ जाएंगे. डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनकम का अच्छा होगा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकम इनइक्वालिटी हो, कि सिर्फ कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं और कुछ के पास बिल्कुल इनकम नहीं है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, इक्वालिटी हो, इनकम जो हो इक्वली स्प्रेड आउट हो, जिससे कि ज्यादा लोग सेविंग्स प्रमोट कर पाए और फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो इकोनॉमी के लिए, विच विल फर्दर हेल्प द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. तो ये सारे फैक्टर्स को समझा गया था दैट दे आर इम्पोर्टेंट फॉर एन इकोनॉमीज हेल्थ. हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था इस टाइम पे. सो कॉस्ट कैलकुलेशंस फॉर द प्लान प्रूव्ड टू बी रॉन्ग एंड द ओरिजिनल पब्लिक सेक्टर आउटले हैड टू बी रिवाइज्ड अपवर्ड्स. इन्फ्लेशन की वजह से कुछ कॉस्ट कैलकुलेशंस जो हैं प्लान की वो गलत हो गई थी, और जितना डिसाइडेड था पब्लिक सेक्टर के लिए, जितना डिसाइडेड था एक्सपेंडिचर, उसको थोड़ा दोबारा रिवाइज करना पड़ा था. अच्छा, ये ऐसा भी टाइम था 74-79 वाला, जिसमें 1975 आया था, जो पता होगा आपको कि इंडियन इकोनॉमी के लिए इमरजेंसी का टाइम था, जहां पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स 20-पॉइंट प्रोग्राम. सो आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोग्राम, बट इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में इमरजेंसी रिलीज हुई थी, विच वॉज अगेन अ डिफिकल्ट टाइम फॉर द इकोनॉमी. तो एक्चुअली में ये जो प्लान है, ये जब 1978 में जनता पार्टी आई पावर में, तो ये प्लान टर्मिनेट हो गया था. ये एक्चुअली 74 से 79 तक प्लान चला ही नहीं था, बिकॉज 75 में जो भी सिचुएशंस थे इकोनॉमी के, जब पूरा मीडिया बंद कर दिया गया था एंड इट वाज अ कंप्लीट इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, तो डेफिनेटली बहुत चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं फॉलो करी जाती हैं, और 1978 में ये प्लान एक्चुअली टर्मिनेट कर दिया था. इनफैक्ट 1978 से लेके 1980 तक एक रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस करा गया था. तो ये जो प्लान था, ये टारगेट इसका जो टाइम था वो वैसे 74-79 तक के लिए था, लेकिन ये फॉलो सिर्फ 78 तक के लिए हुआ था. 78 से 80 के लिए जो 2 साल का टाइम पीरियड था, उसमें एक रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस करे गए थे. सो देयर वर 2/6 प्लान्स. जनता गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड अ प्लान फॉर 1978-83 एम्फसाइजिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट. सो अभी तक हमारी जो सरकार थी, हमारी जो पॉलिटिक्स थी, वो बहुत ही यूनिडायरेक्शनल थी. कांग्रेस वॉज इन पावर, बट 75 के बाद जब पहली बार 78 में जनता पार्टी पावर में आई, तो थोड़ी सी सिचुएशन कॉन्ट्रोडिक्टरी हुई थी, कॉन्फ्लिक्टिंग हुई थी, डिफरेंट ओपिनियन पुट फॉरवर्ड करे गए थे. तो दो प्लान आए थे, 6th प्लान एक्चुअली एक प्लान नहीं था, दो प्लान थे. एक प्लान जो है जनता गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था, जो कि 1978 से लेके 83 तक के टाइम के लिए था, क्योंकि दे केम इनटू पावर इन 1978. सो 78 से 5 साल तक, 83 तक के लिए उन्होंने एक प्लान इंट्रोड्यूस करा, जो उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयमेंट पे एम्फसाइज करेगा, कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और अगर हमें गरीबी हटानी है तो हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा इम्प्लॉय करना पड़ेगा. एम्प्लॉयमेंट शुड बी आर टारगेट, इन कॉन्ट्रास्ट टू नेहरू मॉडल. नेहरू मॉडल जो था, विच द गवर्नमेंट क्रिटिसाइज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ पावर, वाइडनिंग इनइक्वालिटी एंड माउंटिंग पॉवर्टी. नेहरू मॉडल वॉज नॉट रियली फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली, बट द जनता गवर्नमेंट क्रिटिसाइज्ड नेहरू मॉडल, और उन्होंने बोला कि हमारी इकोनॉमी में इनकी जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से इनइक्वालिटीज बढ़ी है, पावर्टी बढ़ी है, इन्होंने ढंग से पावर्टी को केटर नहीं करा. तो अगेन आई मीन यू विल सी कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन धीरे धीरे हमारे इकोनॉमी में बिल्ड होने लगे थे, जो हमें अपने प्लानिंग प्रोसेस में भी दिख रहे थे. बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट ओनली लास्टेड फॉर 2 ईयर्स. जनता पार्टी जो है वो सिर्फ 2 साल के लिए हमारी इकोनॉमी में आई, और दोबारा से कांग्रेस पावर में आ गई थी 1980 में, एंड दे लॉन्च्ड अ डिफरेंट प्लान एम्ड एट directly attacking on the problem of poverty by creating conditions of an expanding economy. So 1980 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट दोबारा आई, तो उन्होंने 6th प्लान इंट्रोड्यूस करा 1980 में, जो 1980 से 85 तक चला, और
टारगेटेड ग्रोथ 5.2 थी और एक्चुअल ग्रोथ 5.7%. तो आप देखोगे कि पिछले साल, पिछले फाइव ईयर प्लान में हमारी एक्चुअल ग्रोथ थी 4.8% और फिर अगले पांच साल में 5.7. तो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करनी स्टार्ट कर गई थी, हमारे ग्रोथ रेट्स इंक्रीज हो रहे थे. सो इस प्लान का फोकस था कि नेशनल इनकम को इंक्रीज किया जाए, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज करी जाए, कॉन्टिन्यूस डिक्रीजेस इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स, पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी गई, स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी गई जिसमें स्किल्स ट्रांसफर स्कीम्स थी, स्लैक सीजन में एम्प्लॉयमेंट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है उसमें कुछ जॉब्स जो होती है वो बड़ी सीजनल होती है कि कुछ सीजन के लिए आपके पास जॉब है, आप एम्प्लॉयड हो, लेकिन फिर बाकी के सीजन के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो. तो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी गई जिसमें ऐसे सीजन में जिसमें लोगों की जॉब्स नहीं होती हैं उस सीजन में भी उन लोगों को एम्प्लॉय किया जाए. सो स्लैक सीजन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी गई, पॉपुलेशन एक्सप्लोड ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे. और सिक्स प्लान को हम सक्सेस मान सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टारगेट्स वर रियलाइज्ड एंड वी ऑल्सो सी दैट इन द ग्रोथ नंबर्स. सो सिक्स्थ प्लान आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, देखोगे कि फर्स्ट प्लान के बाद आई थिंक दिस इज द ओनली प्लान जिसको हम सक्सेसफुल थोड़ा सा बोल सकते हैं. बाकी सारे प्लान्स में आप कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी देखोगे होती हुई. देन कमिंग टू द सेवेंथ प्लान विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985 to 1990 और इस प्लान का भी टारगेट ग्रोथ था 5% और हमारी एक्चुअल ग्रोथ हुई 6%, अगेन greater than what we had targeted. The plan was aimed at accelerating food grain production, increasing employment opportunities and raising productivity with focus on food, work and productivity. So these were repeated agendas, कुछ ऐसा नया agenda नहीं था, ये सब agendas हम पिछले plans में discuss कर चुके हैं. और इस plan को बहुत successful करा जाता है क्योंकि economy ने 6% growth rate achieve करी जबकि target था 5%. With the decade of 80 struggling out of the Hindu rate of growth. तो इससे पहले जो है हमारी इकोनॉमी 3%, 4% ऐसे ही ग्रो कर रही थी जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला जाता है. कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि काफी टाइम तक ये 1980s है और हमारी इकोनॉमी 1947 में इंडिपेंडेंट हो गई थी. तो लगभग 30-35 साल के लिए हमारी इकोनॉमी जो है वो इतने ही रेंज में ग्रो कर रही थी, 3% कभी 4%. इसको हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलने लग गए थे क्योंकि बाकी इकोनॉमीज, मतलब ऐसा माना गया था कि ये हमारी, बिकॉज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली क्या इसका लॉजिक है ये तो आई एम नॉट वेरी श्योर. बट इकोनॉमिक मतलब ये जो टर्म है ये वर्ल्ड वाइड इसीलिए कॉइन करा गया था कि हमारी इकोनॉमी इसी लेवल पे ग्रो कर रही थी विच इज वेरी लो, इट वॉज अ वेरी लो ग्रोथ रेट. जबकि और एशियन इकोनॉमीज जैसे अगर आप देखो साउथ कोरिया की बात करो तो वहां पे ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा था. तो ऐसा कंसिडर करा जा रहा था कि इंडियन इकोनॉमी में ही कम ग्रोथ रेट हो रहा है और उसकी वजह से ये टर्म कॉइन हो गया था विच वॉज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. बट 85 to 90 वॉज द टाइम जब हम इस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के ट्रैक से बाहर निकले. पहली बार हमारी इकोनॉमी 6% एनुअली ग्रो करी और ऐसा रियलाइज करा गया कि इवन द इंडियन इकोनॉमी कैन ग्रो एट लेवल्स जो बाकी इकोनॉमीज कर पा रही थी ग्रो. सो सेवेंथ प्लान कुड बी कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल बिकॉज अगेन दिस वॉज द टाइम व्हेन वी केम आउट ऑफ द ट्रैप ऑफ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. देन इज द एट्थ प्लान विच वॉज पोस्टपोन्ड बाय 2 years बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट द सेंटर. दिस वॉज अगेन द टाइम आप नोटिस करोगे 91 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए थे तब अगेन हमारी प्लानिंग प्रोसेस में ब्रेक हुआ था क्योंकि हम स्ट्रक्चरली बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहे थे. इकोनॉमी जो है बहुत ही क्लोज्ड इकोनॉमी थी 1991 से पहले और हमारा ग्रोथ रेट भी बहुत डेफिनेटली इतना ज्यादा नहीं था. हम इतना ट्रेड नहीं कर रहे थे, कुछ एक्सपोर्ट नहीं, मतलब कर रहे थे बट विद वेरी ह्यूज रिस्ट्रिक्शंस, इम्पोर्ट इतना नहीं कर रहे थे. 1991 was the time जब स्ट्रक्चरली हमारी इकोनॉमी में बहुत चीजें इंट्रोड्यूस करी गई थी. तो एलपीजी रिफॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्लान्स को जो है 2 साल के लिए ब्रेक मिला था. सो 90 में सेवेंथ प्लान खत्म हुआ था और 92 में
एर्थ प्लान शुरू हुआ था जो कि 97 तक चला, और आप देखोगे कि इसका टारगेट जो था वो 5.6 था, लेकिन हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट हुई 6.8%, विच वॉज एन इमेंस नंबर. मतलब ये बहुत बड़ा नंबर था हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्लो पेस पे ग्रो कर रही थी, 3%, 4%. तो एकदम से अचानक से आफ्टर दीज रिफॉर्म्स जो 91 में इंट्रोड्यूस हुए, उसके बाद हमारी इकोनॉमी ने इतना बड़ा नंबर अचीव करा, ये इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट था. तो रिफॉर्म्स एक्चुअली क्यों इंट्रोड्यूस करे गए थे, उसका एक जो मेजर रीजन था वो था कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पोजीशन थी वो वर्सन हो रही थी. बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कितना पैसा आप बाहर के देशों से अपनी इकोनॉमी में ले रहे हो और कितना पैसा आप बाहर के देशों में दे रहे हो, उसका जो भी बैलेंस आता है. मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, इस तरह तरह के अकाउंट्स के बारे में बात करते हो. लेकिन अगर एक लेमैन के सेंस में मैं बताना चाहूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली डिफरेंस होगा कि कितना पैसा आप बाहर सप्लाई बाहर दे रहे हो, अपनी इकोनॉमी से बाहर जा रहे हो, और कितना आपके पास आ रहा है, उसका जो बैलेंस है. तो हमारी इकोनॉमी की बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन बहुत बुरी थी उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली हम ना कुछ इंपोर्ट करते थे ना हम एक्सपोर्ट करते थे. तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं ऐसा पैसा जो आप फॉरेन करेंसी में होल्ड करके रखते हो, तो वो जो थे वो खत्म हो रहे थे, जिसकी वजह से हम हमारी जो डेट सिचुएशन थी, डेट का बर्डन बढ़ रहा था, हमारे बजट डेफिसिट्स बढ़ रहे थे, और बाकी भी सेक्टर में कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी कि हम इनकम लेवल्स इतना जनरेट कर पाए. इस रीजन की वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स को बूस्ट करा कि अगर हमारी इकोनॉमी ओपन हो जाएगी, लिबरल हो जाएगी, तो हमारा जो ट्रेड है वो इंक्रीज होगा. ट्रेड की वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे. अगर हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हो जाएगी तो हो सकता है कि ये सारी चीजों को हम केटर कर पाए. So, ये इश्यूज थे हमारी इकोनॉमी में इस टाइम पे, और इन इश्यूज के बीच में ये प्लान इंट्रोड्यूस करा गया था जो कि हमारा एर्थ प्लान था. द प्लान अंडरटूक ड्रास्टिक पॉलिसी मेजर्स टू कॉम्बैट द बैड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड टू अंडरटेक एन एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 5.6% थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ फिस्कल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्री पीवी नरसिम्हा राव. उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरसिम्हा राव थे, और ये प्लान मनमोहन सिंह जी की मदद से इंट्रोड्यूस हो पाए थे. ये जो पॉलिसीज थी ये सिर्फ उनकी जो थी वो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने ये सारी चीजें प्रमोट करी थी. सो सम ऑफ द मेन इकोनॉमिक आउटकम्स ड्यूरिंग द एर्थ प्लान हुआ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाइएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट सो फार, 6.8% हाइएस्ट ग्रोथ रेट था इकोनॉमी का इस टाइम पे. एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ हुआ और बाकी जो सेक्टर्स थे उनमें भी ग्रोथ हुआ. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रोथ फेस कर पाया. एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स ग्रो करे, क्योंकि डेफिनेटली अब एक लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में हम रह रहे थे. ट्रेड इंप्रूव हुआ, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है करंट अकाउंट, जिसमें आप एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स जो है वो हमारे इंप्रूव हुए थे, क्योंकि नाउ वी वर एक्सपोर्टिंग ऑल्सो, वी वर इम्पोर्टिंग ऑल्सो, और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्रीज हो रहा था, बिकॉज अब हमारी इकोनॉमी लिबरल इकोनॉमी हो गई थी. हाई ग्रोथ रेट वॉज अचीव्ड इवन दो द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द टोटल इन्वेस्टमेंट हैड डिक्लाइंड बाय अबाउट 34%. सो इवन इफ द गवर्नमेंट सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था टोटल इन्वेस्टमेंट में वो डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन भी इंट्रोड्यूस करी गई थी 1991 की रिफॉर्म्स में. तो प्राइवेट सेक्टर बूस्ट कर रहा था, जितनी कंपनीज पब्लिकली काम कर रही थी उनको प्राइवेटाइज करा गया था. तो इवन इफ द पब्लिक सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन वाज डिक्लाइनिंग, हमारे ग्रोथ रेट पे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ. ग्रोथ रेट एक्चुअली इम्प्रूव हुआ. तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हुए थे, एलपीजी प्रोग्राम, ये एक्चुअली हमारी इकोनॉमी के लिए successful हुए. Start with the 9th plan, which was started in 1997, और 2002 तक के लिए ये plan introduce किया गया था. Target growth revised हो गई थी. अब तक अगर देखो कि plans की जो target growth rate थी वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन because पिछले 5 year में हमने देखा कि actual growth rate बढ़ गई थी, 6.8% से हमारी economy grow करी थी, तो फिर next plan के लिए रिवाइज्ड ग्रोथ रेट आया 6.5%, जो कि टारगेटेड ग्रोथ था. लेकिन
आफ्टर अचीविंग 6.8% ग्रोथ रेट इन 1992 to 97, जो नेक्स्ट 5 ईयर का टाइम था, जो 1997 से 2002 तक का टाइम था, उसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट एक्चुअली दोबारा फॉल कर गई थी एंड केम बैक टू 5.4%. तो इस प्लान के कॉम्पोनेंट्स क्या थे? द प्लान प्रिपेयर्ड अंडर यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. सो दिस वॉज द एजेंडा ऑफ द प्लान, कि जो इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं इकोनॉमी में, मतलब कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ लोगों के पास कुछ लोग इतने पावर्टी स्ट्रिकन हैं और पुअर हैं, तो ये इस चीज की डिस्पैरिटी को कम करने के लिए जो एजेंडा था 9th प्लान का, वो ये था. और 9th प्लान प्रीडोमिनेंटली प्राइवेट सेक्टर पे रिलाई कर रहा था, इंडियन एज वेल एज फॉरन. तो दोनों टारगेट्स, नाउ दैट द इकोनॉमी वॉज ग्लोबलाइज्ड, वॉज लिबरलाइज्ड, हम फॉरेन हमारा जो ट्रांजैक्शन था विद फॉरेन कंट्रीज भी इंक्रीज हो गया था, तो प्राइवेट सेक्टर पे रिलाय करा गया था, चाहे वो इंडिया की बात करे चाहे वो फॉरेन की बात करे. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एंड स्टेट वॉज एनविसाज्ड टू इंक्रीजिंगली प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द सोशल सेक्टर विद vis-a-vis education, health, etc. State was being expected, मतलब state का मतलब है government, यहाँ पे government was being expected to work on education, health and infrastructure. ये जो social sectors थे, इस पे expect किया गया था कि government अपना contribution करेगी, government इन पे focus करेगी, whereas बाकी जो aspects थे वो इन चीजों में private sector का participation इन sectors में limited था. बट एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इन सारी चीजों पे ज्यादा रिलाय कर रहा था. इस प्लान में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को भी प्रायोरिटाइज किया गया था, क्योंकि इनइक्वालिटीज डिक्रीज करने के लिए डेफिनेटली आप पुअरर सेक्शंस पे फोकस करोगे, तो रूरल डेवलपमेंट अगर होगी इकोनॉमी में तो इनइक्वालिटीज भी कम होंगी, तो इसलिए एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करा गया था, जिससे कि वहां पे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और पावर्टी कम से कम हो. तो ये कुछ फोकस थे 9th प्लान के. जो जो टारगेट था ग्रोथ रेट का वो इतना अचीव नहीं हो पाया, 6.5% टारगेट था और एक्चुअल इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था वो 5.4% था, तो टारगेट्स वर नॉट अचीव्ड इन दिस प्लान. द 10th प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर 2002 to 2007, और यहाँ पे हमारी जो टारगेट ग्रोथ रेट थी दैट वाज 8%, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट अगेन टारगेट ग्रोथ रेट से कम थी, लेकिन डिस्पाइट दैट हम देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा थी. अगर आप इसको एब्सोल्यूट सेंस में देखो तो 7.6% वाज अ ट्रिमेंडस ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड इट वाज द लार्जेस्ट सो फार. So, what were the components? Recognizing that economic growth can't be the only objective of the national plan, 10th plan had set monitorable targets for few key indicators of development besides 8% growth target. So, growth targets ke alawa, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट था, मतलब जीडीपी का ग्रोथ टारगेट जो था वो 8% सेट करा गया था, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों पे 10th प्लान में फोकस करा गया था, बिकॉज देयर वाज अ बिलीफ कि इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ सिर्फ एक होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट प्रोसेस का. तो और जो टारगेट्स थे वो क्या थे? रिडक्शन इन जेंडर गैप्स इन लिटरेसी एंड वेज रेट. जेंडर गैप्स, फीमेल और मेल का जो गैप है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी या इन टर्म्स ऑफ वेजेस, जो कि हम पिछले कुछ डिस्कशंस में पढ़ चुके हैं जब हम जेंडर बायस की बात कर रहे थे, जेंडर बजटिंग की बात कर रहे थे, कि कैसे फीमेल और मेल लिटरेसी में डिफरेंसेस हैं, फीमेल और मेल वेज रेट्स में, फीमेल और मेल को जितनी इनकम मिलती है, जितने वेजेस मिलते हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं. तो ये भी एक टारगेट था 10th प्लान का कि ये इस गैप को रिड्यूस करा जाए, इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स को रिड्यूस किया जाए, लिटरेसी इंप्रूव हो, इंप्रूवमेंट्स इन लिटरेसी, एक्सेस टू पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक्सेस हो, क्लीनिंग ऑफ मेजर पोल्यूटेड रिवर्स एटसेट्रा. सो देयर वर दीज डिफरेंट टारगेट्स व्हिच वर बीइंग सेट आउट इन द 10th प्लान बिसाइड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट ऑफ 8%.
गवर्नेंस वॉज कंसिडर्ड एज फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर वॉज डिक्लेयर्ड एज द प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी. States role in planning was to be increased with greater involvement of panchayati raj institutions. State wise breakup of targets for growth and social development sought to achieve balanced development of all states. So panchayati raj institutions jo local level rural local level pe kaam karte hain unka involvement increase kara gaya tha. प्लानिंग जो एक स्टेट प्लान करती है अपने डेवलपमेंट के लिए उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज करा गया था. स्टेट वाइज ब्रेकअप डिसाइड करे गए थे कि किस स्टेट को फंड्स की ज्यादा जरूरत है. तो ये सारी चीजें भी इंट्रोड्यूस करी गई थी. नेक्स्ट इज द 11th प्लान जो 2007 और 12 के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया था. दिस इज अ फेयरली रिसेंट प्लान जो आप इमेजिन कर सकते हो कि शायद आपने इस प्लान के कुछ कंपोनेंट्स खुद भी विटनेस करे होंगे. तो व्हाट वर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस प्लान. इट वाज बीइंग सेट आउट फॉर 2007 टू 2012. टारगेट ग्रोथ था 9% और एक्चुअल ग्रोथ था 8%. तो आप देखोगे कि अब इकोनॉमी उस हिंदू ग्रोथ रेट को काफी ओवरलैप कर चुकी थी, क्रॉस कर चुकी थी और अब हमारी इकोनॉमी 7-8% के रेंज में ग्रो कर रही थी. तो 11th प्लान का मेन टारगेट था कि फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. तो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब है कि ग्रोथ रेट्स इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे. और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि जो बॉटम सेक्शंस हैं सोसाइटी के वो भी इन्वॉल्व्ड हो ग्रोथ प्रोसेस में. सिर्फ ग्रोथ जो है रिचर सेक्शन से ड्रिवन नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ रूरल सेक्शन से भी ड्रिवन होनी चाहिए. इमर्ज्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ द 10th प्लान. 7.6% पे बाय द एंड ऑफ 10th प्लान हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी एंड इट वॉज ग्लोबली ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज. सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेट्स इंक्रीज हो गए थे हमारी इकोनॉमी में. इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया था क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है 1991 में पहली बार ग्लोबल इकोनॉमी को फेस कर रहा था. तो ऑब्वियसली ग्लोबल इकोनॉमी का जो कंपटीशन है वो एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी के लिए सक्सेसफुल प्रूव हुआ. इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफी बूस्ट मिला. फॉरेन इन्वेस्टर्स भी काफी इंटरेस्टेड थे हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए बिकॉज हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे रेट पे ग्रो कर रही थी. तो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का भी इनफ्लो बढ़ रहा था. बट ग्रोथ जो है इतनी इंक्लूसिव नहीं थी. इंक्लूसिव का मतलब एज आई सेड कि 10th प्लान में भी फोकस था, 10th और 9th प्लान में भी फोकस था इनइक्वालिटीज डिक्रीज करने का. तो ग्रोथ तो कर रही थी हमारी इकोनॉमी लेकिन साथ के साथ हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटीज भी ग्रो कर रही थी. तो जो पुअरर सेक्शंस हैं या जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं अगर आप उनके अक्रॉस ग्रोथ देखो तो वो बहुत डिफरेंट थी. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज एसटीज, एससीज, माइनॉरिटीज, बहुत सारी रीजंस की वजह से इस ग्रोथ प्रोसेस को फेस नहीं कर पा रहे थे. देवर स्ट्रिकन विद पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, मोर्टैलिटी, डेली एम्प्लॉयमेंट थी उनके पास, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं थी. तो ये सारे इश्यूज जो ये सारे सोशल इश्यूज थे ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे डिस्पाइट द इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट नंबर्स. जीडीपी तो ग्रो कर रहा था लेकिन इस जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो ज्यादा से ज्यादा अनइक्वल होता जा रहा था. तो इंक्लूसिव ग्रोथ डेफिनेटली एक फोकस बन चुका था हमारी इकोनॉमी के लिए. The broad vision for 11th plan included several interrelated components like rapid growth, reducing poverty. Poverty reduction एक major agenda बन गया था. Employment opportunities को create करना, access to essential services, health services, education services जो काफी basic services होती है इनका access increase हो, specially for the poor. Different programs were introduced to generate employment such as the National Rural Employment Guarantee Program. जो मिनिमम 100 डेज की आउट ऑफ द टोटल 365 डेज इन अ ईयर 100 डेज की मिनिमम गारंटी देता है कि इतने दिन के लिए आपको इम्प्लॉय किया जाएगा अगर आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है. तो इस तरीके के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे गए थे कि इम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इनइक्वालिटी का रिडक्शन, ये सारे कॉम्पोनेंट्स भी 11th प्रोग्राम में विजन एनविजेंड करे गए थे. Accordingly, various targets were laid out. Different numbers में statistically
नंबर सेट आउट करे गए थे, टारगेट सेट आउट करे गए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लेस देन 5% हो जाए अमंग एजुकेटेड यूथ, ये टारगेट सेट करा गया था. पावर्टी रेशियो जो है वो 10% से रिड्यूस करे. ड्रॉप आउट रेट्स, जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं उसमें रिडक्शन हो. लिटरेसी का जेंडर गैप जो है, मतलब फीमेल और मेल लिटरेट का जो गैप है, उस परसेंटेज का जो डिफरेंस है फीमेल्स और मेल्स में, वो कम हो. इन्फेंट मोर्टैलिटी कम हो. माल न्यूट्रिशन कम हो इन द इन्फेंट एज ग्रुप, 0 to 3 years के जो बच्चे होते हैं उसमें माल न्यूट्रिशन कम हो. सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो. फॉरेस्ट एंट्री कवर, एयर क्वालिटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल विलेजेस एंड बीपीएल, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन हाउसहोल्ड्स, एंड रिलायबल पावर बाय द एंड ऑफ 11th प्लान. सो बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का एक्सेस ही नहीं है, दे डोंट हैव प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो 11th प्लान में ये भी टारगेट सेट करा गया था कि 2009 तक जितने भी बीपीएल हाउसहोल्ड्स हैं या विलेजेस हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है, उनको इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस मिले. और 11th प्लान के एंड तक वी हैव रिलायबल पावर सोर्सेज, रोड कनेक्शन हो इन विलेजेस का, और हिली विद टू हैबिटेशंस. सो ऑल वेदर रोड कनेक्शन टू हैबिटेशंस विद पॉपुलेशन 1000 एंड अबव एंड 500 इन हिली एरियाज बाय 2009. तो जो भी ऐसे हैबिटेशंस हैं, कम्युनिटीज हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज हैं जहां पे 1000 से ज्यादा पॉपुलेशन है और हिली एरियाज के लिए ये नंबर 500 था, उन जगहों के लिए रोड कनेक्शन हो, प्रॉपर रोड्स बनाई जाए कि इन एरियाज तक पहुंचा जा सके, और टेलीफोन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सारे विलेजेस में हो बाय 2012. तो ये कुछ ऐसे टारगेट्स थे जो सेट आउट करे गए थे 11th प्लान में, जिससे कि इनइक्वालिटी जो वाइडन हो रही थी हमारी इकोनॉमी में वो डिक्रीज हो. 11th plan started well. How did the 11th plan perform? The 11th plan started well with the first year achieving a growth rate of 9.3%. तो जो इसका जो पहला साल था वो 2007 to 2008 था, और इस year में economy 9.3% के rate से grow करी थी. However, the growth decelerated to 6.7% in the next year. तो ऑल्दो फर्स्ट ईयर में 9.3% पे ग्रो करी, फिर 2008-09 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जो कि वर्ल्ड लेवल पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी जिसमें बहुत सारी इकोनॉमीज इफेक्ट हुई थी, और काफी सारी इकोनॉमीज ऐसी हैं जो अभी भी उस क्राइसिस से ओवरकम नहीं कर पाई हैं. तो उस क्राइसिस की वजह से हमारी भी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट इफेक्ट हुआ था, और हमारी इकोनॉमी 6.7% पे के ग्रोथ रेट पे थी. हमारी इकोनॉमी ने रिकवर करा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. तो 2009-10 में हमारा ग्रोथ रेट था 8.6% और 10-11 में वापस 9.3% पे आ गया था. हाउएवर ग्लोबल स्लोडाउन जो है 2011 में दोबारा शुरू हुआ, क्योंकि एक और क्राइसिस हुई थी यूरोप में, सॉवरेन डेट क्राइसिस कपल्ड विद सेवरल डोमेस्टिक फैक्टर्स सच एज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एंड सप्लाई साइड बॉटलनेक्स रिजल्टेड इन डिसेलरेशन ऑफ ग्रोथ टू 6.2% इन 2011-12. तो ऑल्दो 2009-2010 में हमारी इकोनॉमी दोबारा ग्रोथ लेवल इंक्रीज हो गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ 2011 क्राइसिस एंड डिफरेंट डोमेस्टिक फैक्टर्स, जैसे हमारी इकोनॉमी में उस टाइम पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करी जा रही थी. टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है, एक होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने बिगिनिंग ऑफ द कोर्स डिस्कस करी थी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मनी सप्लाई डिक्रीज करा जा रहा था. तो मनी सप्लाई जब डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली ग्रोथ रेट्स पे उसका एक इम्पैक्ट होगा, ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है. और सप्लाई साइड इश्यूज थे हमारी इकोनॉमी में, इन रीजंस की वजह से हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो 2011-12 में दोबारा 6.2% पे आ गई थी. तो इसकी वजह से जो एवरेज ग्रोथ थी 11th प्लान की, दैट वाज अबाउट 8%, व्हिच वाज लोअर देन द टारगेट, क्योंकि 9% का टारगेट था. तो वो टारगेट हम मीट नहीं कर पाए, लेकिन इट वाज स्टिल बेटर देन द 10th प्लान. 10th प्लान में हमारा ग्रोथ जो था वो 7.6% का था,
तो इट वॉज बेटर देन दैट, बट वी कुडंट मीट द 9% टारगेट जो 11th प्लान का सेट हुआ था. बट ये जो टाइम था 2007 से 12 का, इसमें दो मेजर क्राइसिस हुई. एक 2008 में हुई जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, और 2011 में हुई. तो 8% ग्रोथ रेट अगर हम इस टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो सैटिस्फैक्ट्री कहलाया जा सकता है. अगर हम सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट देखें तो एग्रीकल्चर 3.7% पे ग्रो कर रहा था, इंडस्ट्री 7.2% पे ग्रो कर रही थी, और सर्विसेज सबसे ज्यादा ग्रो कर रही थी 9.7% पे. जबकि इनके टारगेट्स जो थे वो थे 4% फॉर एग्रीकल्चर, 10-11% फॉर इंडस्ट्रीज, एंड 9-11% फॉर सर्विसेज. तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर हम ये मान के चले कि ये वाला टाइम थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था इकोनॉमी के लिए, इनफैक्ट सारी इकोनॉमीज के लिए वर्ल्ड वाइड, उस हिसाब से हमारा जो परफॉर्मेंस था इंडियन इकोनॉमी का, इट वॉज नॉट दैट बैड. 11th प्लान का डोमेस्टिक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए भी टारगेट सेट करा गया था. 34.8% जो है डोमेस्टिक सेविंग्स का टारगेट था, और 36.7% इन्वेस्टमेंट का टारगेट था. हाउएवर जो एक्चुअल फिगर्स थे वो इनसे कम थे. 33.5% सेविंग्स और 36.1% इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, जो कि टारगेट से कम है, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम नहीं है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम अपने टारगेट्स बहुत ज्यादा नंबर से मिस करे थे. हमारे टारगेट्स मिस हुए, लेकिन नॉट बाय सिग्निफिकेंट गैप. बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉवर्टी रिलीज्ड बाय प्लानिंग कमीशन, पॉवर्टी इन द कंट्री हैड डिक्लाइंड बाय 1.5 percentage points बिटवीन 2004-05 एंड 2009-10. सो पॉवर्टी में भी इंप्रूवमेंट दिखने को मिला 11th प्लान में. और जो रेट था, जिस रेट से ये डिक्रीज हो रही थी पॉवर्टी, जो इस 2005 और 10 के 5 साल के गैप में हुई है, दैट वाज ट्वाइस द रेट ऑफ द डिक्लाइन व्हिच वाज विटनेस्ड इन अ प्रीवियस, इन द प्रीवियस 1994 टू 2005 टाइम पीरियड. तो जो जिस रेट से पॉवर्टी डिक्रीज हो रही थी वो भी इंक्रीज हो रहा था. लेकिन ये जो एस्टिमेट था ये ऐसी पॉवर्टी कैलकुलेशन पे था जो प्लानिंग कमीशन ने प्रपोज करी थी. लेकिन तेंदुलकर कमिटी बनी थी, एक नई कमिटी जिन्होंने पॉवर्टी का एक नया एस्टिमेशन मेथड इंट्रोड्यूस करा था, और जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी था कि इस फॉर्मूले को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. So it was a subject of controversy, and it was believed by the commission that whether we use the old method or the new method, the decline in the percentage of population below the poverty line is almost the same. So although ek naya method introduced kara gaya tha is dauran, which was called as the Tendulkar formula, jo ki ek thoda controversial tha kyunki kuch cheeze aisi thi jo isme debatable thi, lekin uske bawajood humne agar apne numbers ko dekhe, jo Indian poverty ke numbers the, wo almost सेम थे. तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कमिटी नई आई थी, एक फॉर्मूला नया आया था. फिस्कल फ्रंट पे भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंशनरी मेजर्स यूज कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी ग्लोबली स्लो डाउन फेस कर रही थी. तो उस चीज को बूस्ट करने के लिए, उस चीज को काउंटर करने के लिए एक्सपेंशनरी मेजर्स इंट्रोड्यूस करे गए थे. प्राइस स्टेबिलिटी थोड़ी वॉलेटाइल थी इस टाइम पे. इनएबिलिटी टू पास ऑन बर्डन ऑन कॉस्टलियर इंपोर्टेड ऑयल प्राइसेस माइट हैव कंस्ट्रेंड द सप्लाई ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स इन द गवर्नमेंट्स हैंड, कॉजिंग 11th प्लान टू परफॉर्म एट द लेवल्स बिलो इट्स टारगेट. सो प्राइस स्टेबिलिटी डेफिनेटली इतनी ज्यादा नहीं मेंटेन हो पाई इकोनॉमी के लिए उस टाइम पे, क्योंकि इम्पोर्ट ऑयल प्राइसेस जो थे वो इंक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारे इम्पोर्ट्स थे, इकोनॉमी जो इम्पोर्ट्स कर रही थी वो उनका कॉस्ट बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास जो फंड्स होते हैं वो सारे इंपोर्ट्स में जा रहे थे, और उनके पास कम पैसा बच रहा था जो वो इन्वेस्टमेंट पे लगा सके, प्रोडक्टिव चीजों पे लगा सके. तो प्राइस स्टेबिलिटी वाज अ कंसर्न इवन ड्यूरिंग द 11th प्लान. सो देन कम्स द लास्ट प्लान फॉर द इंडियन इकोनॉमी सो फार, विच इज द 12th प्लान, जो हमारा लास्ट प्लान है, बिकॉज उसके बाद प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व होके नीति आयोग बन गई थी. विच सो दिस प्लान विच इज द 12th 5-year प्लान, दिस वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन 2012-17.
let's look at what this plan intended to cover. So the 12th plan commenced at a time when the global economy was going through a second financial crisis precipitated by the several sovereign debt problems of the Eurozone, which erupted in the last year of the 11th plan. The crisis affected all countries, including India. Hamara growth rate slow ho gaya tha, 6.2% pe aa gaye the hum 2011-12 mein. Aur jo ye decrease hai growth rate mein, ye even 12th plan mein continue hota raha. जो फर्स्ट ईयर था 12th प्लान का, विच वॉज 2012-13, इसमें हमारी इकोनॉमी 5% पे ग्रो कर रही थी. तो ये जो ग्लोबल इफेक्ट्स थे, ग्लोबल स्लोडाउन था, उसका इफेक्ट हमें प्लान तक दिखा. सो 12th प्लान का डेफिनेटली इन सिचुएशंस में मेजर फोकस था कि इकोनॉमी को वापस अपने ग्रोथ ट्रैक पे लाया जाए, कि जो हमारी इकोनॉमी 7-8% की ट्रैजेक्टरी पे थी, वापस उसी ट्रैजेक्टरी पे आए, विद एट द सेम टाइम ऑल्सो मेकिंग श्योर कि ग्रोथ जो हो वो सस्टेनेबल हो. मतलब ऐसा नहीं हो कि पहले हमारी इकोनॉमी 7-8% पे ग्रो करे और फिर किसी रीजन की वजह से दोबारा 5-6% पे ग्रो करने लगे. ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब मेंटेन्ड होनी चाहिए, और इंक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब सारे सेक्शंस तक इस ग्रोथ का इम्पैक्ट पहुंचना चाहिए. तो जो लोगो था, जो टैग था, वो हमारे 12th प्लान का था, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. सो फास्टर ग्रोथ, इंक्लूसिव हो ग्रोथ और सस्टेनेबल हो. इंक्लूसिवनेस कैसे अचीव करी जा सकती है? पॉवर्टी रिडक्शन से अचीव करी जा सकती है. जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, रीजनल बैलेंसेस को प्रमोट किया जाए, इनइक्वालिटी रिड्यूस करी जाए, और इन सारी चीजों पे फोकस करके हम ये अश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव हो. सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बाय मेकिंग श्योर दैट एनवायरमेंट इज सस्टेनेबल. जो ह्यूमन कैपिटल है वो हमारा डेवलप हो इकोनॉमी का, और किन जरियों के थ्रू डेवलप हो? इंप्रूव्ड हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तो जो बेसिकली फाउंडेशंस होते हैं किसी इकोनॉमी के, उस पर फोकस करा जाए, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होगा, मतलब लॉन्ग रन तक कंटिन्यू रहेगा. अपार्ट फ्रॉम द ग्लोबल स्लो डाउन, द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज ऑल्सो रन अप अगेंस्ट सेवरल इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स. सो ग्लोबली तो सिचुएशन वर्स थी ही, लेकिन इंटरनली भी बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स चल रहे थे इस टाइम पे. मैक्रो इकोनॉमिक इम्बेलेंसेज हो गए थे इकोनॉमी में, बिकॉज फिस्कल एक्सपेंशन जो फॉलो किया गया था 2008 की क्राइसिस के बाद, उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ गए थे. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कभी भी जब हम अगर हम एक बेसिक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कर्व के थ्रू देखें, तो हमें पता है कि जब हम फिस्कल एक्सपेंशन करते हैं, जो कि 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इंडियन इकोनॉमी में हुआ था, क्योंकि इकोनॉमी वरना बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है इकोनॉमी का इंपैक्ट करता, तो हम एग्रीगेट डिमांड जो है फिस्कल एक्सपेंशन में राइटवर्ड शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से हमें पता है कि आउटपुट तो इंक्रीज होता है, लेकिन साथ ही साथ प्राइसेस भी इंक्रीज होती है. तो ये जो प्राइस इंक्रीज हो रही थी, इसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो गया था, और ये एक मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंट्रोड्यूस करे गए थे, वो डिफरेंट रीजंस की वजह से स्लो हो गए थे. टैक्स ट्रीटमेंट चेंज हुआ था 2012-13 में, उसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स में बहुत अनसर्टेनिटी आ गई थी, तो इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट हुआ था हमारा, और इसकी वजह से रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई. तो नॉट जस्ट द ग्लोबल स्लो डाउन, बट ऑल्सो सम इंटरनल रीजंस had led to slow down in the growth rate during the 10th plan. So the policy challenge in the 12th plan is actually twofold. First is to reverse the observed deceleration in growth by reviving investment as quickly as possible. Pehla tha ki jo hamari abhi recent time se deceleration ho rahi hai growth mein, usko hum promote kare kisi tarike se, aur uska source ho sakta hai investment, ki hum investment ko promote kare. This calls for urgent action to tackle implementation constraints in infrastructure and which are holding up large projects, combined with action to deal with tax related issues which have created uncertainty in the investment climate. So jo bottlenecks ho rahe the, implementation bottlenecks, jab bahut bade bade projects introduce kare jate hain, to different tarike ke issues hote hain. Property right ka issue ho sakta hai, rural rehabilitation ka issue ho sakta hai. तो ये जो bottlenecks फेस कर रहे थे, उसको हम ज्यादा से ज्यादा cater कर पाए, जिससे कि जो ये large infrastructure projects हैं, ये held up ना हो. और tax related जो
कंफ्यूजन थी इन्वेस्टर्स में, उसको भी हटाया जाए, जिससे कि जो एक अनसर्टेनिटी सी बन गई थी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में, वो कम हो और हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आए. इमीडिएट प्रायोरिटी वॉज गिवन टू रिवाइव द इन्वेस्टर सेंटिमेंट विद रिमूविंग द इम्पेडिमेंट्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर. जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको रिमूव करने का टारगेट सेटअप किया गया था. पॉलिसी जो है विच रिक्वायर एड्रेसिंग द इशू ऑफ फ्यूल सप्लाई टू पावर स्टेशंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी. सो दिस पॉलिसी वॉज बींग इंट्रोड्यूस्ड टू सॉर्ट ऑफ टैकल ऑल दीज इशूज विच वर हैपनिंग इन द इन्वेस्टमेंट सेक्टर. और जो भी कन्फ्यूजन हो रही थी, जो भी इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स हो रहे थे, उसको इरेडिकेट करने के लिए इस पॉलिसी को इस प्लान के दौरान इंट्रोड्यूस करा गया था, जिससे कि हम इन बॉटलनेक्स को ओवरकम कर पाए. ऑल्दो प्लानिंग शुड कवर बोथ द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड दोज इन द प्राइवेट सेक्टर, सो प्लानिंग इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट द गवर्नमेंट सेक्टर, इट इज ऑब्वियसली एप्लीकेबल टू बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर. बट मेजॉरिटी जो डिबेट है प्लानिंग के ऊपर जो इंडिया में होती है, वो पब्लिक सेक्टर प्लान के ऊपर होती है. तो 12th प्लान जो है लेड आउट एम्बिशियस सेट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स विच विल हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. इन व्यू ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इट इज एसेंशियल टू टेक बोल्ड स्टेप्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. सो फिस्कल करेक्शन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए थे. टैक्स रिफॉर्म, बिकॉज टैक्स बहुत अनसर्टन हो रहा था, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हो रही थी, तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा गया था, एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर जो कि इस सारी कंफ्यूजन को हटाए और एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए. ऑल्दो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन भी कोई बहुत अच्छे से नहीं करा गया है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आए हैं, लेकिन जब जीएसटी को सेट आउट किया गया था, जब जीएसटी की प्लानिंग चल रही थी, तो यही सोच के साथ चल रही थी कि एक यूनिफॉर्मिटी आएगी टैक्स स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो टैक्स की वजह से इफेक्ट हो रहे थे वो कम इफेक्ट होंगे. सब्सिडीज को रिड्यूस करा गया था क्योंकि फिस्कल प्रेशर बहुत था गवर्नमेंट पे. इतना जो फिस्कल एक्सपेंशन, फिस्कल स्टिमुलस मिला था इकोनॉमी को 2008 की क्राइसिस के बाद, उसका कुछ पार्ट रिड्यूस करने के लिए सब्सिडीज को रिड्यूस करा गया था. बट उसके बावजूद टारगेटेड सब्सिडीज तो इंटैक्ट थी, क्योंकि हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ का भी एजेंडा लेके चल रहे हैं. तो करंट अकाउंट डेफिसिट को इस तरीके से मेंटेन करना था हमें कि हम अपनी इंक्लूसिविटी के टारगेट को भी ना काउंटर करें, बट एट द सेम टाइम इतना ज्यादा फिस्कल एक्सपेंडिचर ना करें जो हमारी गवर्नमेंट हैंडल ना कर पाए और जिससे डेफिसिट बढ़े. तो अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ वुड रिक्वायर लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स रेट. ये एक बेसिक इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी का बैकग्राउंड होता है कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स ज्यादा हो रही हैं, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी और सस्टेन्ड ग्रोथ फॉलो करेगी. तो अगर हम अपनी इकोनॉमी को वापस से 9% ग्रोथ रेट के टारगेट पे लाना चाहते हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करनी पड़ेंगी, जिसके लिए बहुत सारे तरीके के रेजोल्यूशंस पास आउट करे गए, जैसे टैक्स रिफॉर्म्स, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बढ़े. तो ये था कि 35% ऑफ जीडीपी हमारा इन्वेस्टमेंट रेट होना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस प्लान. इसके लिए हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करना पड़ेगा, प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को करना पड़ेगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी स्टिम्युलेट करना पड़ेगा, स्पेशली इन एरियाज में जहां पे हम अपनी इंक्लूसिविटी बढ़ा सकें, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई एटसेट्रा. तो इन दोनों की स्ट्रैटेजी से गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स टुगेदर कैन मेक द प्लान वर्क, जो 12th प्लान था. और ये बेसिकली टारगेट सेट आउट करे गए थे 12th प्लान में. और दिस वॉज द लास्ट प्लान जो हमारा टोटल 5-year प्लान्स का जो मैकेनिज्म था, उसका ये 12th प्लान जो था लास्ट प्लान था. और इसके बाद से हमारी प्लानिंग कमीशन जो है वो डिसॉल्व होके नीति आयोग बन गई थी, और उसके बाद से कोई भी प्लान अब हमारी इकोनॉमी में नहीं इंट्रोड्यूस करा जाता है. सो दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज द पॉइंट टिल वेयर दिस डॉक्यूमेंट हैज टू बी कवर्ड इन योर कोर्स.